Okay, students, how are you? Today, we are going to start next part of this lesson. So, you must read this lesson carefully because it is a very interesting lesson. In this lesson, we come to know about our history, our life and what will be in the future. Okay, see, it is an inspirable chapter. So, it will work in our life. So, you will have to read it deeply. So, we will read the chapter many times, translate it, I will explain it so that you can understand better. So we are going to start this lesson. So put your mind and your heart here so that you can learn more and more and get success. Okay, we are going to start. Okay, students. Today we are going to start in this video next part of the lesson. Next part of this lesson is based on the next moment of Gandhiji, in which Sardar Patel also involved. So we are going to start this from here, and I expect that you have completed last part of this lesson. So we are going to start reading part of this chapter from here. Look at the screen one by one line we will do in this video today. Sardar Patel actively participated in the Gandhi Let Quit Indian Movement. To quit hota hai chhodna, tyagna. To quit Indian Movement mean here Bharat Chodo Andolan. To Sardar Patel actively participated in Gandhi Let Quit India Movement. तो गांधी जी के साथ सरदार पटेल ने एक्टिवली मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, भाग लिया भारत छोड़ो आंदोलन में. द क्विट इंडियन मोमेंट बिगेन इन अगस्त 1942. तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में शुरू हुआ. सरदार पटेल इन्फ्लुएंस द लार्ज क्राउड दैट हैड असेंबल्ड टू टेक पार्ट इन द सिविल डिसओबीडियंस. द क्विट इंडियन मूवमेंट, जो क्विट इंडियन मूवमेंट है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, बिगेन इन अगस्त, वो अगस्त में शुरू हुआ 1942 को. सरदार पटेल इन्फ्लुएंस द लार्ज क्राउड that had assembled to take part in the civil obedience. तो सो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उनको उन्होंने बहुत प्रभावित किया. इसको लार्ज क्राउड को, बहुत जो भारी भीड़ थी वहाँ पे लोगों की, जो वहाँ पे असेंबल हुए थे, असेंबल मैंने टुगेदर इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, क्या करने, टू टेक पार्ट इन द सिविल डिसओबीडियंस. तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में वहाँ पे जो खड़े हुए थे लोग, आए हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा उसने अपने बातों से, अपने भाषण से लोगों को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया. विच इंक्लूडेड द शट डाउन ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज. जिसने क्या इंक्लूड किया, जिसने इंक्लूड किया सभी का शट डाउन, ऑल सिविल सर्विस, जितनी जीव सिविल सर्विस थी, एंड रिफ्यूजल टू टैक्स पे. तो जितनी सिविल सर्विस थी और उन्होंने जो टैक्स जो देने से मना कर दिया, उन सब का रिफ्यूजल था वहाँ पे. वल्लभ भाई वॉज अरेस्टेड इन दिस एजिस्ट्रेशन एंड रिलीज ओनली आफ्टर ईयर्स इन जून 1945. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनको अरेस्ट किया गया. वल्लभ भाई वॉज अरेस्टेड इन दिस एजिस्ट्रेशन. एजिटेशन मीन्स हियर मोमेंट. एजिटेशन मीन हियर मोमेंट. मोमेंट मीन हिंदी में आंदोलन, जिसको बोलते हैं आंदोलन. ठीक है, तो इस आंदोलन में, इस एजिटेशन में उसको गिरफ्तार किया गया. रिलीज ओनली आफ्टर 3 ईयर्स, और उनको 3 साल के बाद उनको रिलीज किया गया, जून 1945, यानी 3 साल तक वो जेल के अंदर रहे. स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रूल इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इस टाइम के दौरान जो स्ट्राइक्स हैं भारत के अंदर, जो स्ट्राइक हुई, प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए, और रिवोल्यूशनरी मीन्स एयर क्रांतिकारी,
क्रांतिकारी, जो जो क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज़ थी वो होती रही इस समय के दौरान, विद द रिजल्ट दैट द ब्रिटिश डिसाइडेड। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड द ट्रांसफर द पावर टू द इंडियंस। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने डिसाइड किया टू लीव इंडिया, भारत छोड़ने का डिसीजन ले लिया उन्होंने और ट्रांसफ़र कर दी उसकी पावर को, भारत की जो पावर है, पावर मीन सत्ता, भारत की जो सत्ता है वो इंडियंस को उन्होंने ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया कि अब भारत को आज़ाद करेंगे, क्योंकि इतने क्रांतिकारी कार्य हुए, स्ट्राइक हुई, तो जिसकी वजह से उन्हें इतने प्रोटेस्ट हुए, तो उन्हें अंत में उनको हार माननी पड़ी अंग्रेजों को, और भारत की जो सत्ता है, भारत की जो पावर है, उन्होंने भारतीयों को सौंपने का डिसीजन लिया। In 1946, Patel was nominated as the candidate for the election of the Congress president. तो 1946 में उसको नॉमिनेटेड किया गया, उसका उनको नामित किया, नॉमिनेटेड मतलब नाम देना, नामित करना, उसको नामित किया, उसका नाम दिया गया ऑन द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द कांग्रेस प्रेजिडेंट। कांग्रेस प्रेजिडेंट के इलेक्शन में एक कैंडिडेट के रूप में उनका 1946 में नाम दिया गया। However, he turned down the position on the advice of Gandhi. हालांकि गांधी जी की सलाह पर उसने जो है अपनी पोजीशन को त्याग दिया, छोड़ दिया, टर्न डाउन कर दिया। Eventually, अंत में क्या हुआ, पंडित नेहरू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब उन्होंने छोड़ दिया तो बाद में जो नेशनल जो कांग्रेस थे उसके जो प्रेजिडेंट बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इंडिया बिकम फ्री ऑन द 15 अगस्त 1947। तो भारत जो आज़ाद हुआ वो 1947 को हुआ। सरदार पटेल बिकम द इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर। तो सरदार पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर बने एंड द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग, और ब्रॉडकास्टिंग के और इंफॉर्मेशन के भी मिनिस्टर बने। एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू द थ्री पार्ट। और उस समय पर जो भारत जो था इंडिपेंडेंस यानी जो आज़ाद भारत जो था वॉज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था। द फर्स्ट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो पहला पार्ट था वो सीधा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था। द सेकेंड वर द टेररिज रूल्ड बाई हेरिडिटरी, और जो सेकेंड जो टेररिज था, जो क्षेत्र था उसको रूल किया गया बाई हेरिडिटरी रूलर्स। हेरिडिटरी मैंने जो इसके जो ये होते हैं जैसे फोर फादर एंड जो पूर्वज, जो पूर्वजों के जो रूलर थे उनका शासन था वहाँ पर, उनके द्वारा जो है शासन किया जाता था, सेकंड पार्ट वो था। एंड द थर्ड वाज द टेररिस्ट कॉलोनाइज। टेररिस्ट कॉलोनाइज में उपनिवेश, इसको बोलते हैं उपनिवेश, उपनिवेश। तो उपनिवेश का मीनिंग यहाँ पे है, तो उपनिवेश का मीनिंग यहाँ पे है कि जैसे पॉलिटिकल रूप से किसी को अपने अधीन कर लेना, ठीक है। तो फ्रांस एंड पुर्तगाल, तो फ्रांस और जो पुर्तगाल था, जो फ्रांस और जो पुर्तगाल उनका अधिकार था। तो इसमें तीन तरह का अधिकार दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया, सेकंड दिया जो हेरिडिटरी रूलर थे, तीसरा दिया कॉलोनाइज बाय फ्रांस एंड पुर्तगाल, जो फ्रांस और पुर्तगाल का क्षेत्र था उनका। अब नेक्स्ट देखिए, चलो बाकी आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट ही चैप्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लिसन टू मी, यू विल हैव टू रीड एंड राइट इट डीपली, ओके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड इट इज रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री, सो यू मस्ट लर्न दिस लेसन डीपली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Okay students, we have completed this paragraph of this lesson. So read this chapter meaning wise deeply, translate it in your mind and keep it in your mind everything of this lesson, and you will have to read, learn the chapter and question answer also you will learn of this lesson, okay. And next part of the chapter we will read in next video. And till that you will wait, okay? So I hope that you will be do better. Thank you and have a nice day.